यहाँ पर एक गोकड़ गाय है। ये जब हम खाना खा के आएंगे तब भी ये यहीं पर होगी। मगर क्यों? ईद मुबारक मुबारक। इसको पता ही नहीं बीवी क्या खा रही, मुझे पता ही नहीं पति क्या खा रहा है। और इधर पूरी सलाह दी जाती, वो लेना वो अच्छा है थोड़ा पे। आई जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जुबान कोई नहीं जलाएगा। चीटा नहीं पड़ेगा, और अगर चीटे का इतना टेंशन था तो टेबल के इतने आगे बैठना नहीं। अब ये हेलो जी, गुड मॉर्निंग आप सबको। लाइफ ऑफ लिम्बाचियस की तरफ से ईद मुबारक। आज मैं सुबह सुबह उठी और भाभी का मैसेज आया हुआ था कि भारती जी आज प्लीज हमारे घर आइएगा, ईद की दावत है। वही वाली भाभी जो मेरे साथ एमबी वैली गई थी, मेरी सिस्टर और भाभी। मेरी सिस्टर मलाड में कामवालियों को निकाल देती है और ये वाली भाभी अंधेरी में, ये वही वाली भाभी है। सो आज इनके घर जा रहे हैं हम ईद के लिए। गोला भी जा रहा है, गोले की पहली ईद है। और भाभी ने बहुत सारा खाना बनाया है जो मुझे मेन्यू भेज दिया है कि ये बनेगा। तो मैंने और हर्ष ने डिसाइड किया है कि आज हम लंच नहीं करेंगे, है ना हर्ष? यस, लेकिन मैं इसे खाऊंगा। सो आप देख रहे होंगे पीछे स्टैंड मैन पड़े हैं, क्योंकि भाई बारिश ही इतनी हो रही कि कपड़े सुखाने के लिए कहीं जगह नहीं, इसलिए रात भर पंखे के नीचे स्टैंड लगाना पड़ता है ताकि बच्चे के कपड़े सूख जाएं। खैर वो तो बातें बात की है, लेकिन आज दावत पे जा रहे हैं इसीलिए हम बड़े एक्साइटेड हैं। लंच तो करना ही नहीं है ना, चलिए उनके घर जाके मिलते हैं और मजेदार खाना खाएंगे। ईद मुबारक। हम जा रहे हैं दावत खाने। ये देखो श्रेयाम, अब क्या बोलूं मैं, ये देखो सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं, सिर्फ खाना खाने। तो ईद के मौके पर और क्या करें? बात तो सही है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था गोला भी जाएगा साथ में, बट गोला एंड मौके पे उसे धोखा दे दिया, गोला सो गया खराटे मार के, तो हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं आप सबको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक गोकड़ गाय है, जिसे गुजराती में हम गोकड़ गाय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल। नीचे देख, ये जब हम खाना खा के आएंगे तब भी ये यहीं पर होगी। मगर क्यों? कि जितना स्लो चल रही है मुझे यहीं पे मिलेगी। अरे एक स्नेल तो चलने लग गया। स्नेल कौन है दिख रहा है? कुछ भी यहाँ तक आ रही है। भूख, पुखा 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 नहीं होता, ये रिवाज होता है खाना। देखिए नगमा एकदम तैयार बैठी है, क्या बात है भाभी। ईद मुबारक भाभी, ईद मुबारक भाभी, ईद मुबारक। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं मुबीन भाई के घर और बाहर तक खुशबू आ रही थी खाने की, हमारी भूख और जाग गई। बट आए हमें 2 मिनट हो गए, इन्होंने कुछ नहीं दिया खाने को। जानवर देख लेते हैं सच्चा प्यार, ये बिल्ली मेरे आसपास ही घूम रही है कब से। हाँ, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मेरा बिल्ला आ गया है। much, much, much later. कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आए हमें 1 घंटा होने वाला है। मेन्यू इतना बड़ा बोला था कि कबाब ये वो, एक चीज नहीं पूछी। बंदा पूछे सारी चीजें थोड़ी एक साथ बन रही है, एक एक दे ही सकते हो ना। क्या करे, उनके घर आए हैं, वेट करना ही पड़ेगा। जैसे हर्ष ने, मैंने डिसाइड किया था कि हमने लंच नहीं करना, वहाँ जाके ही एकदम धावा बोलेंगे। मुझे लगा कुछ लेके आए, वो पानी लेके उधर चला गया। Two very boring minutes later. So guys, 1.5 घंटा ऐसे नहीं करना चाहिए यार, मेरी हंसी निकल गई है। भाभी मैं आऊँ हेल्प के लिए? झूठ मूठ पूछ रही है। अरे इस बहाने जाके देखूंगी तो सही किचन में क्या क्या बना, और मैं फिर बोल सकती ना अभी ये ठंडा हो रहा है ये दे दो, तब तक उन लोगों को बोलूंगी तो अपना नहीं नाम आएगा, तो फिर ऐसा लगेगा ही नहीं उनको कि मैं सिर्फ खाने आई। क्या सोच है रे तेरी? Few moments later. 1.5 घंटा तो पहले हो चुका था, अभी 2.25 घंटे हो चुके। आप हमको उसी टाइम पे बुलाओ, हमें बोलते 9 बजे यहाँ जाना। मैं हर्ष को बोलूँ जल्दी चलो, उनका खाना ठंडा हो जाएगा यार, टाइम बोलो उसको जाना पड़ता है।
किचन से इतने लोग निकल रहे हैं लेकिन सब खा लिया तो हंस के जाई जा रहे हैं। अब मैंने हंसना बंद कर देना तो उनको पता चल जाएगा कि उनको खाना चाहिए। आगे आगे कबाब आगे कबाब आगे। कैसी भूखी है यार। मुझे लगता है जाना पड़ेगा। भाभी मैं हेल्प के लिए आऊं? नहीं भाभी जी बस हो गया, पौने दो घंटे हो गए हैं। हो गया होता तो आ जाता ना। मैं आ जाती हूँ भाभी यार। रुकुर। अरे वाह क्या बात है भाई। ये क्या क्या है? ये मटन टिक्का है, ये मटन सीख है, ये चिकन मसाला टिक्का है, ये चिकन गार्लिक टिक्का है, ये है मटन बिरयानी। अरे रब्बा आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू आपको। क्या बात है। मैं बता देती हूँ कि ये अलसबा भाभी के भाई हैं और वो है उनका भांजा। तो भाई अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम है मुजफ्फर अर्शद। और कहाँ से आए हो आप? नागपुर। सिर्फ बिरयानी बनाने और हमें खुश करने आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नोवेल है। नोवेल आपका कुछ योगदान है खाने में? योगदान बनाया। शुरू होने वाला है ये देखो। अगर भूख ना लगी होती तो ये बंदी किचन में आती नहीं। खुशबू सुन के आ गई मैं। क्या बात है यार, इसको भी मिल गया लेकिन इसको नहीं मिला। मिलेगा। Few moments later किचन से भी होकर आ गई। कोई चांस नहीं आने का क्योंकि मैंने सब देखा बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपको सारे शॉट्स दिखाए हैं। कृष्णा तू सही टाइम पे एक घंटा लेट आई है। अब भी तेरे को बैठना ही पड़ेगा क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ। इन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था। कितना? आपके मम्मा पापा बहुत झूठ बोलते हैं। बोलते थे हमने बहुत खाना बनाया है। हमें कैसे पता चलेगा? अभी तक तो मिला ही नहीं। क्यों लेट हो रहा है? बोलो ना। मोइजा मोइजा ये लोग तुम्हें भी खाना लेट देते हैं है मोइजा? हाँ पूछ से कह रही यस। आने से पहले सोचना चाहिए था। वाह गाइस सवा दो घंटे नहीं होने चाहिए किसी को। मुझे जाना पड़ेगा किचन में और मैं तो शर्याम बोल दूंगी कि भाभी थोड़ा तो दे दो कुछ का। आप भी। और बेटा मम्मी पापा कभी झूठ नहीं बोलते पता। मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना हमेशा। और कृष्णा खुशी की लहर। मुझे लगता है हर्ष और अक्षय बाहर है तो उनको बाहर ही रहने देना चाहिए क्योंकि एक साथ आ गए तो थोड़े थोड़े पीस मिलेंगे ना। मस्त प्लान है। सो फाइनली अच्छे हैं यार लोग। ये अच्छे हैं क्योंकि अगर टेस्टी चीज़ देर बाद आए तो अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि मतलब सबर का फल मीठा होता है और वाकई ये मीठा है। फल है ये पाइनएप्पल जो तंदूर में पकाया गया है। यही हमारा सबर का फल। सारे बहुत खुश हैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। कृष्णा बहुत टेस्टी है। भाभी आप बेस्ट हो बता। मजा आ रहा है खाने का। ये क्या है? अरे वो चिपकी है। देखो चलो कोई नहीं ये वाली ले लो। ये वाली ले लो। मैं उठा रही हूँ चिपकी। ये वाली ले लो। ये वाली निकाल लो। वो भी चिपकी है। क्या छोड़ ये रहने दे। ये रहने दे ये ले ले ये वाली। देखा एक्चुअली पहले भी जब हम आए थे तो उनकी तीन चार कटोरियां गायब थी। सही वक्त सही कदम सतर्क रहे। इस बार इन्होंने ऐसी प्लेटें रखी जिसके साथ ही कटोरियां जुड़ी होती हैं ताकि कोई ले जा ना सके। काश अगर ये आज ना रखी होती तो मेरा छह का सेट जो घर है वो पूरा हो जाता। अक्सर नया ब्याह जोड़ा एक ही प्लेट में खाता है और जिनकी शादी को चार साल हो गए होते हैं वो ऐसे खाते हैं। उसको पता ही नहीं बीवी क्या खा रही। मुझे पता ही नहीं पति क्या खा रहा है। कोई रिएक्शन ही नहीं। और इधर पूरी सलाह दी जाती वो लेना वो अच्छा है। थोड़ा प्याज आई थोड़ा प्याज भी। और इधर खाने के टाइम पे सिर्फ खाना। चुप तैयार रहना गाइस। कुछ आ रहा है गाइस। आ चुका है गरम गरम। यार देखिए मैं आपको एक बात बता दूं। मैं हमेशा से एक फूड ब्लॉगर बनना चाहता था तो आप यहाँ देख सकते हैं
ये मटन का आप ये जो बहुत गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है मेरी नज़र में, और हम इसे तोड़ कर ये शर्म आती है घर में बच्चा और नेल्स देखो? नो कमेंट। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, जुबान कोई नहीं जलाएगा। चीटा नहीं पड़ेगा, और अगर चीटे का इतना टेंशन था तो टेबल के इतने आगे बैठता नहीं। शर्म नहीं आती मेरी बड़ी बहन की बेइज्जती करते हुए ऐसे? और फिर से नया व्याया जोड़ा टूथपिक से बुरी तरह से चिकन को लबेड़ के उठाता हुआ, और ये शर्मी की थोड़ी सी हद हो गई, उसने आधा बीबी को देना चाहिए था लेकिन वो फूंक मार के खुद खाने लगा। ऑलरेडी बना हुआ ये जो सीख कबाब है उसको मैं इस सालन में डालने वाला हूँ, आप देख सकते हैं इसको मैं पूरा भिगोऊंगा बटर में। हमारे फूड ब्लॉगर इस्तांबुल से। हम जितना मर्जी बोले लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ खाने आए हैं, चाहे वो चटनी हो या मसाला हो, हम तो चाट चाट के खाएंगे। कहीं भाभी एक बार बोल दे कि पिंकी जी चम्मच रख दो ना, हाँ मेरी बहन जो उंगलियां चलाएंगी। वाह वाह, शर्म आनी चाहिए, अभी उन्होंने जस्ट रखी है और हर्ष ने प्लेट भी डाल ली। भाभी का भाई भी देख रहा, देखो मेरी खाने की आग बुझाने के लिए वो पंखा भी लाया। ये भी हाथ जोड़ रही है कि हमारे लिए भी छोड़ना प्लीज। मैंने ऐसा कब कहा था? हमारे लिए भी छोड़ना प्लीज माओ। सो फाइनली हमें बिरयानी मिल गई, हमने खा ली, और बहुत सारी चीजें जो खा ही नहीं पाए इतनी सारी बनाई थी, और ये देखिए जो खा नहीं पाए वो हम ले जाएंगे ताकि इनको दुख ना हो। So, ये लोग अच्छे हैं यार, आपने मेरा स्टार्टिंग में जो देखा होगा, मैंने बोला कि लेट दे रहे हैं, इनको पता नहीं हम आ गए हैं, ये वो सब ऐसा था कि होता ही अच्छी चीजों के लिए वेट करना पड़ता है। सो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, सच में ईद मुबारक। क्या हुआ, क्यों रुके हो घर जाके? मेरे को लगता है कि एक एक चुटकी अजवाइन खा लेनी चाहिए। मगर क्यों? तो फिर ये बिरयानी भी खानी है रात को, तो जगह तो बननी चाहिए। The next day. So, कल ईद थी, अभी हम घर आ चुके हैं, मतलब कल आ चुके थे घर रात को। सो मैंने सुबह कुछ वीडियो शूट नहीं किया, बट खाना इतना 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 मज़ेदार था, और थोड़ा सा भाभी उदास हो गई थी क्योंकि हमने कहा था कि हम गोले को लेकर आएंगे, बट गोला ऐन मौके पे इतना भयंकर सो गया कि मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ, ऐसे ऐसे करी जा रहा, वरना ऐसे भी करो तो आँखें खोल लेता है, लेकिन ये बच्चे ऐसे ही करते हैं कि कहीं निकलना हो तो पॉटी कर देते हैं, या जाना हो कहीं हमें खुशी से तो सोने लग जाते हैं। तो मैं गोले को यहीं पे छोड़ के गई थी, लेकिन भाभी ने कहा कि उन्होंने केक लाए थे वो गोले के वेलकम के लिए, और जो हमें हर महीने केक भेजते हैं उन्होंने भी केक भेजा था 3 मंथ्स का। सो भाभी आज केक लेके यहीं पर आ गई हैं। ये गोले का केक, वेलकम गोला। और ये भेजा है हमारी दोस्त ने जो गोले का 3 मंथ का केक। फाइनली गोला उठ गया है, भाभी पिछले 1 घंटे से बैठी है, गोले ने काफी इंतजार करवाया है। वेलकम गोले, गोले, गोले। भाभी सचिन का बच्चों ने पेंट करके तो नहीं दिया? तो भी देखने लग गया आपको? तो मैं काटती हूँ। वाह क्या कड़क केक था कि ये भाभी आप खाएं। अब बारी है हमारे दूसरे केक की, जो हम गोलू पकड़ो, पकड़ लिया
ओके हैप्पी थ्री मंथ्स गोले थैंक यू फॉर केक काफी बड़े अच्छे केक है यार तो गोले ने आज धोखा नहीं दिया कल धोखा दे दिया था सो गया था एंड मौके पे तो गोले की पहली ईद थी और गोला बहुत गोले आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं आप लाइक कर ही देते हो और बहुत बहुत थैंक यू सो मच गोले के जो फेस रिवील का वीडियो था उसमें आपने बहुत बहुत ब्लेसिंग और बहुत बहुत प्यार दिया है बस हमारे गोलू को ऐसे ही प्यार और ब्लेसिंग देते रहो और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए डिश